फेरी हम लोग का है आज, ये फेरी चौके जाएंगे काफी सालों के बाद। आज मैं यहाँ पे रॉयल स्टैक कुछ ऐसा है माजुली म्यूजिक फेस्टिवल। फाइनली आपका भाने ले लिया है, वन डे का टिकट 1600 है यार गाइस, पूरा 1600 बड़ बात। अब अंदर जाके पूरा फुल एंजॉय करेगा। यहाँ की सड़कें, यहाँ के लोग, यहाँ की गाय, यहाँ के सब लोग इतने प्यारे हैं, बचने भी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय सिया राम जय हनुमान। तो मैं कल घर आया था, आप लोग ने मेरा वीडियो देखा होगा। तो आज मैं जाने वाला हूँ वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड द्वीप, माजुली द्वीप मैं जा रहा हूँ। हम लोग का घर से 70-80 किलोमीटर दूर में है। तो वहाँ पे माजुली म्यूजिक फेस्टिवल हर साल होता है, तो फर्स्ट टाइम होगा मेरा माजुली, मुझे बहुत जाने का दिल भी था, तो आज मैं जाऊँगा। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं निकल चुका हूँ धुनागोड़ी घाट के लिए आप उन लोग का दोस्त के साथ। आज बहुत मस्ती करेंगे गाइस, यहाँ में दो दोस्त भी है, तनुज भाई और जदू भाई। कोई नहीं, बहुत मतलब आज खतरनाक निकला, पहाड़ आ गया पहाड़, ये पहाड़ देखो ये गाड़ी आ रहा है, ये पहाड़ है। पहाड़ के नीचे पानी है, पानी के नीचे क्या है, पानी है, पानी के नीचे पानी है, ये पानी के नीचे क्या है, जमीन है, जमीन है, जमीन के नीचे क्या है, तू ये पानी है कला। तो फ्रेंड्स फाइनली आप पहुँचा अभी धुनागोड़ी घाट। तो अभी थोड़ा देर बाद में हम लोग पहुँचेंगे माजुली, और आज जो आएंगे कैलाश खेर के साथ मिलेंगे। और जो माजुली फेस्टिवल बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है, एक 3 दिन का फेस्टिवल है, लेकिन हम लोग का एक ही दिन रहेंगे क्योंकि एग्जाम आ रहा है ना। तो फिर भी एक दिन टाइम मिला कि मैं आया हूँ दो दोस्त के साथ यहाँ में बैठे हुए। तो आज जाएंगे तनुज भाई और जदू भाई का, मैंने पहले भी दिखाया था। तो कैसा लग रहा है जदू भाई, इंजॉय करेंगे आज? तो यहाँ पे ये फेरी हम लोग का है आज, ये फेरी चौके जाएंगे काफ़ी सालों के बाद। आज मैं फेरी पे जहाज पे जाने वाला हूँ, जय सिया राम के नाम लेते हुए जाऊँगा। मुझे पानी से बहुत डर भी लगता है यार, कोई नहीं। तो जाएंगे यहाँ में, एक फेरी आगे है, काफ़ी एक्साइटेड है यार हम तीनों ही। मुझको आहों में भर लो ना तुम, अब तेरे बिना यहाँ मेरी सांसें जैसे बिना नींदियाँ गिराते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली में हम तीनों पहुंच चुके हैं गौर मोड़ पे, अनएक्सपेक्टेड, मतलब क्या ही बोलो, बाद में बोलेगा हम लोग क्या सोचा था क्या हो गया, मतलब अभी नहीं बोलेगा, एंडिंग पे बोलेगा। आप लोग वीडियो पे बने रहना, लेकिन मैं बोलूँगा आप लोगों को, ठीक है? मतलब यूट्यूब पे वीडियो बना, तो ऐसे हम लोग दोनों मीट हुए थे, तो दोस्त था तो आ रहा है यहाँ पे मीट करने के लिए, तो उसके साथ मीट करूँगा। A few moments later. तो गाइस जो मैंने दोस्त का बात किया था, फ्रेंड आ चुका है यहाँ में। नाम बोलो, इंट्रोडक्शन दो थोड़ा अभी। दोस्त बोल रहा है उनका घर में आज रहने के लिए, तो क्या होगा देखते हैं हम लोग, अगर कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हम जरूर कॉल करेगा और हम लोग यहाँ पे आएंगे बैठने के लिए। दोस्त तो वो भी यूट्यूब करता था ना, आजकल क्या हो गया देखता नहीं वीडियो, हाँ मतलब कुछ काम वाम बिजी होता है ना, हम भी आजकल मतलब पढ़ाई कर रहे हैं ना, इसीलिए टाइम भी नहीं मिलता वीडियो बनाने के लिए, फिर भी मैनेज करता है अभी थोड़ा बहुत, बाकी सब ठीक ना। करना है यूट्यूब यार, करो मत छोड़ो, हम तो नहीं छोड़े, बस मतलब प्यार देना है, मतलब आदमी लोग व्यूअर्स लोग, बस हाँ थैंक यू, हाँ अच्छा बहुत थैंक यू, थैंक यू। तो अभी हम लोगों को इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है ये मालूम, इस तरफ जाना है, क्या नाम था, जय जयकरा जेंगरा मुख, अच्छा के साथ। तो हम निकलने के बाद काम भी हो रहा है, ठीक है, रात को लेने के लिए आएगा ना, तो 9 बजे हम कॉल करेगा, अगर वहाँ पे रहने का कुछ इंतजाम हो गया तो इतना मतलब मेहनत करने का जरूरत नहीं है, अगर मिल गया तो हम लोगों को, थैंक यू इतना आने के लिए, मीट करने के लिए। काफ़ी जर्नी करते 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 मतलब अनएक्सपेक्टेड, मैंने बोला था ना, सोचा नहीं था कि इतना दूर होगा बोल के, इतना दूर है बोल के सोचा ही नहीं था, मैंने सोचा था माजुली
मेन सेंटर पे थोड़ा आगे होगा, लेकिन इतना दूर आया ना, 70-80 किलोमीटर आया है कि नहीं, माजुली से भी हम लोग 70-80 किलोमीटर दूर आया यार, सोचा भी नहीं था यार। तो यार मतलब म्यूजिक से दिल धड़क रहा है, मतलब थोड़ा आगे में म्यूजिक बज रहा है, थोड़ा आगे में ब्रिज पार करके जाना है, तो ये ब्रिज पार करके थोड़ा वहाँ में नीचे में आप लोग देख रहे हैं। गाइस काफी अच्छा लग रहा है, यहीं से इतना अच्छा लग रहा है यार। गाइस यहाँ पे रॉयल स्टैक कुछ ऐसा है, माजुली म्यूजिक फेस्टिवल, क्या सुंदर से लग रहा है गेट, ये मेन गेट है यहाँ से, तो अंदर में आप हम लोग को जाके वहाँ पे देखना होगा, कुछ ऐसे इतना बड़ा ग्राउंड है, मतलब क्या ही बोलूँ, माजुली म्यूजिक फेस्टिवल। रॉयल स्टैक ये अल्कोहल का वो नहीं है क्या? वाह रॉयल स्टैक। फ्रेंड्स फाइनली आपका भाने ले लिया है वन डे का टिकट 1600 है यार गाइस, पूरा 1600 बड़बात, अभी अंदर जाके पूरा फुल एंजॉय करेगा, ठीक है। यहाँ पे गेट है तो चलो जाते हैं अभी अंदर का व्यू कैसा देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ में गेट है आगे में थोड़ा आगे, तो 10 बजे आएगा कैलाश गेट, ठीक है। तो टिकट दिखा के अभी मैं अंदर एंटर करूँगा, गाइस कुछ ऐसा है यहाँ पे। तो गाइस फाइनली एंटर हो चुका हूँ मैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। ये गेट है एंटर का गेट, और एग्जिट का गेट उधर है, ठीक है। तो अभी अंदर से आप लोगों को दिखाऊंगा, सब यहाँ पे केम लेके बैठे हुए, आप लोग देख सकते हैं, काफी अच्छा लग रहा है यार। अभी अंदर अच्छे से घूम पाऊंगा, टिकट ले लिया ना अपना, तो चलो कोई टेंशन नहीं है, बिंदास। रॉयल स्टैक यहाँ पे गाइस, मेरा घर का सामने का बगल का भैया का दोस्त भी अंदर में है, उन्होंने केम लेकर रखा है, तो भाई से भी मिलूंगा अभी, थोड़ा एंजॉय कर लेता हूँ बाहर, मतलब थोड़ा आगे जाके, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्राउड है जी यहाँ पर, बहुत ही मजा आ रहा है। जब से हम चले हैं डिब्रूगढ़ से बाय रोड, हम लुकिंग फॉरवर्ड कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ की सड़कें, यहाँ के लोग, यहाँ की गाय, यहाँ के सब लोग इतने प्यारे हैं, बछड़े भी इतने मनोहारी थे ना, जो बछड़े भी हमको रास्ते में मिले ना, वो ऐसे खड़े हुए हैं बस बीचों बीच, इतना वो हम तो पागल हो गए खुशी के मारे। आप लोगों की ये जगह इसलिए मुझे बहुत पसंद आई कि यहाँ पर जो कुछ शॉप्स में लाइट्स भी नहीं है, फिर भी वो ऐसे बैठे हुए हैं डेडिकेटेड, बहुत ही गजब तरीके से, वेरी क्लीन दिस प्लेस इज, थैंक यू फॉर कीपिंग दिस प्लेस क्लीन, थैंक यू फॉर कीपिंग दिस प्लेस ग्रीन, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। Oh.
का गाना बचाते रखे हैं। जनरली हम ये कहीं गाते नहीं है, ध्यान से सुनो, बट कैसे आ रहा है कुछ पता नहीं, कभी भी हम गाते नहीं ये वाला मुकुल, बहुत ही कम गाते हैं, लेकिन आपको एक हम वचन भी दे रहे हैं स्टेज से, हम आपका साथ निभाएंगे। बस अब आप गलतियां नहीं करना, लोग लुटेरे बैठे हैं चारों ओर, उनसे बचना बस। सब खत्म हो चुका है, तो मैंने वीडियो भी किया है, तो कैसा हुआ है मेरा वीडियो कुछ पता नहीं, तो जब मैं एडिट करूंगा तब मुझे पता चलेगा। तो अगर कुछ भी खराब हुआ है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, क्योंकि मेरा कैमरा का क्वालिटी खराब था थोड़ा, ठीक है, तो इसीलिए। तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू, जल्दी मिलते हैं न्यू ब्लॉग पे। नेक्स्ट ईयर का माजुली अगर हो सके तो फिर आएंगे। काफ़ी अच्छा लगा कैलाश खेर जी से मिलकर आज। तो बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, जय हनुमान।